फिलोसफी इसको पूरा डायरेक्टली, ये जो क्वेश्चन है इसको डायरेक्टली कंपेयर करो, एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस वाई, है ना, पूरा ऐसे, है ना, ऊपर नीचे ऐसे लिख लो, एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस वाई, है ना, और कंपेयर कर लो, एक्स सर, इज पिछले इक्वल क्वेश्चन का टू आंसर कितना था? पिछले क्या बेटा, क्वेश्चन का आंसर कितना था? आ गया ना कुछ 80, 80 इंटू 10 पर कुछ आया ना, -6 या 8 इंटू 10 पर -5, तुम्हारा कितना आया था, वही आया था ना सर मेरा 4 पाई आया था, 4, पाई इंटू 10 पावर -4, अरे पाई स्क्वायर हो रहा ना, पाई स्क्वायर को मैंने 10 ले लिया ना, वो जो ओमेगा लेकिन मेरा है आंसर में ओमेगा पाई में स्क्वायर स्क्वायर नहीं था। होगा, ओमेगा में तुम 2π/t यूज कर रहे हो, तो ओमेगा स्क्वायर है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, तो उसको पाई स्क्वायर ले लो ना, पाई स्क्वायर को 10 ले लो, ओके सर, ठीक है। वो पाई बाय 3 है, ठीक है ना, ऐसे ऊपर नीचे कंपेयर कर लो, ठीक है ना, ये मीटर्स में है ना, तो बेसिकली, और ऊपर नीचे कंपेयर करने से तो पता चल जाता है ना, ए इज इक्वल टू 5 मीटर्स टाइम पीरियड, क्या, और टाइम पीरियड, सर हाँ तो ओमेगा इज इक्वल टू पाई, तो टाइम पीरियड क्या होगा, 2π/ओमेगा, सो दैट इज इक्वल टू 2π/पाई, सो दैट इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स, हो गया ना टाइम पीरियड। अच्छा फेज पूछा नहीं है, लिख लेते हैं, फेज इज इक्वल टू पाई बाई 3, है ना, मैक्सिमम स्पीड पूछा है, मैक्सिमम स्पीड कहाँ पे होता है, वी मैक्स, मैक्सिमम स्पीड कहाँ पे होता है, मीन पोजीशन में, इज इक्वल टू वी मीन, दैट इज इक्वल टू ओमेगा ए, ओमेगा आ गया पाई, एम्पलीट्यूड कितना है 5, इंप्लाइज वी मैक्स कितना होगा 5π मीटर्स पर सेकेंड, और उसको पूरा प्रॉपरली एक्सप्रेस करना चाहते हो क्योंकि जे मेंस और नीट में पूरा न्यूमेरिकल वैल्यूज आ रहे हैं आजकल, है ना, ऐसे पाई वाई के टर्म्स ऑप्शन देना बंद कर दिया है बहुत दिनों से, बहुत दिनों से मतलब 2 साल से, तो वी मैक्स कितना होगा 3.14 × 5, 31.4, 31.4 मतलब 15.7 मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है, समझ आ गया यस ना, सर, फ्रॉम बेसिक्स टू एडवांस, सर एक और क्वेश्चन था उसमें, एक क्या सेकंड के बाद क्वेश्चन, मुझे छुट्टी बताना था। ओ फाइंड द वेलोसिटी टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड, अरे वाह, यही तो सबसे बढ़िया क्वेश्चन तो यही है, यही छूट गया था, π/2 आया, सही है क्या? ये 5π/2 आया, उसको चेक करते हैं, ठीक है, ऑल्सो फाइंड द वेलोसिटी एट टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में वेलोसिटी कितना होगा, अरे देखो टाइम पीरियड कितना है, 2 सेकेंड है, ठीक है ना, ये हाफ टाइम पीरियड, टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड मतलब हाफ टाइम पीरियड, टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड मीन्स, है ना, हाफ टाइम पीरियड, अरे हाफ टाइम पीरियड मतलब ये वापस मीन पोजीशन में होगा ना, मतलब लेकिन सर उल्टे डायरेक्शन में जा रहा होगा, होता क्या है, यहाँ पे होता माइनस है, यहाँ पे होता है प्लस, तो टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड, अगर मैं, है ना, मतलब हाफ टाइम पीरियड, हाफ टाइम पीरियड में क्या होता है कि, है ना, पार्टिकल मीन पोजीशन टू एम्पलीट्यूड जाता है, फिर एम्पलीट्यूड से फिर वापस मीन पोजीशन आता है, इतने के लिए जितना टाइम पीरियड लगता है दैट इज कॉल्ड हाफ टाइम पीरियड, है ना, फिर मान लो मीन पोजीशन टू लेफ्ट एम्पलीट्यूड, लेफ्ट एक्सट्रीम जाएगा, फिर वहां से मीन पोजीशन आएगा,
ठीक है, तो इसके लिए और कितना टाइम लगता है, और बाकी का टाइम टाइम पीरियड, तो इतने में कंप्लीट होता है एक ऑसिलेशन। एक ऑसिलेशन क्या होता है, मीन टू एम्पलीट्यूड, पॉजिटिव एम्पलीट्यूड पॉजिटिव टू नेगेटिव एम्पलीट्यूड, नेगेटिव एम्पलीट्यूड टू बैक टू मीन पोजीशन, दैट इज वन टाइम पीरियड, है ना। टोटल होता है वन टाइम पीरियड, वन ऑसिलेशन का टाइम, है ना। वो बोल रहा है कि ऑल्सो फाइंड वेलोसिटी एट टी इक्वल टू 1 सेकंड, मतलब हाफ टाइम पीरियड के बाद उसका वेलोसिटी। अरे अरे, हाफ टाइम पीरियड के बाद उसका वेलोसिटी कितना होगा, लेकिन वो थोड़ी ना मीन पोजीशन में है। वही सर, वो तो पाई दिया ना पहले, इनिशियल फेज अलग है। ये तो मैंने नोटिस ही नहीं किया। इनिशियल फेज क्या है, इनिशियल फेज इज इक्वल टू पाई बाय 3, सो फाइंड पोजीशन फर्स्ट, फाइंड पोजीशन ऑफ द पार्टिकल फर्स्ट। वाह वाह वाह, ये बड़ा ही अच्छा कॉन्सेप्चुअल, है ना, कॉन्सेप्चुअल बेसिक, है ना, क्वेश्चन है और एडवांस भी है। समझ में आया ना बच्चों, 60 डिग्री फेज मतलब पोजीशन कितना होगा, रूट थ्री बाई टू। वेरी गुड वेरी गुड, चलो वेरी गुड, तुमने याद रखा है। 60 डिग्री फेज मतलब कहाँ पे होगा, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है मतलब 60 डिग्री फेज में, 60 डिग्री पोजीशन क्या है, रूट थ्री बाई टू। सर t इक्वल टू 1 पुट करके डायरेक्ट पोजीशन ही निकाल लेते। अरे सुनो, t इज इक्वल टू 1 पुट करके कैसे पोजीशन निकालोगे। अच्छा, इक्वेशन में, इक्वेशन में t इज इक्वल टू 1 पुट करके, अच्छा तो वो क्या आ रहा है, x इज इक्वल टू माइनस 5 रूट 3 बाई 2। तो तुम्हें है ना t इक्वल टू 1 सेकंड पुट करके, अगर तुमको t इक्वल टू 1 सेकंड पुट करना है, मान लो t इज इक्वल टू 1 सेकंड है ना, अच्छा t इज इक्वल टू 1 सेकंड है, तो टोटल फेज निकालो ना, टोटल फेज क्या होगा, टोटल फेज इक्वल टू ओमेगा टी प्लस पाई बाई 3 है ना, ओमेगा टी प्लस पाई बाई 3 है, समझ में है ना, टोटल फेज इज इक्वल टू ओमेगा टी बाई प्लस पाई बाई 3 है, तो ओमेगा टी प्लस पाई बाई 3 क्या है, ओमेगा टी प्लस पाई बाई 3 क्या है, 2 पाई बाय टी इंटू टी प्लस पाई बाई 3, तो ये आ गया 2 पाई बाय, ये क्या आएगा यहाँ पे, टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स, ये टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स, और यहाँ पे स्मॉल टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड, टाइम पीरियड 2 सेकेंड है, स्मॉल टी 1 सेकेंड है, प्लस पाई बाय 3, मतलब यहाँ पे और पाई ऐड कर लो, पाई बाय 3 प्लस पाई, है ना, पाई बाय 3 प्लस पाई क्या है, पाई बाय 3 प्लस पाई क्या है, टोटल फेज कितना होगा, दैट इज इक्वल टू पाई, सर वैसे ही रखना, कन्वर्ट करने में तो लगेगा पाई प्लस पाई बाय, अच्छा ऐसे ऐसे रख लेते ना, पाई प्लस पाई बाय 3, तो x इज इक्वल टू कितना होगा, x इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड कितना है, 5 5 साइन, है ना, पाई प्लस पाई बाई 3, अच्छा साइन 180 प्लस थीटा कितना होता है, माइनस साइन थीटा, 180 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, सो माइनस साइन पाई बाई 3 होता है ना, ठीक है ना, तो माइनस 5 साइन पाई बाई 3, माइनस 5 साइन पाई बाई 3 कितना होता है, एक्स इज इक्वल टू माइनस 5 साइन पाई बाई 3, रूट थ्री बाई टू मतलब 60 डिग्री से ना, रूट थ्री बाई टू माइनस 5 रूट थ्री बाई टू, पोजिशन कहाँ पे है, यहाँ पे माइनस 5 रूट थ्री बाई टू में। अरे देखो मैं क्या बोल रहा था ना, मैं क्या बोल रहा था कि वो t इज इक्वल टू 0 में कहाँ पे, रूट थ्री बाई टू में, मतलब 60 डिग्री फेज में है,
कहाँ पे? 60 डिग्री फेज में है। तो 1 सेकंड मतलब क्या है? 1 सेकंड मतलब फेज कितना होगा? फेज हो जाएगा मतलब हाफ टाइम पीरियड है ना। यस देखो 360 डिग्री फेज के लिए टाइम पीरियड कितना है? टी। तो हाफ टाइम पीरियड के लिए फेज कितना होगा? 180 डिग्री। यस सर। तो 60 डिग्रीज में है तो 180 डिग्री और एडिशनल ले लो। यहाँ पे गया 30, 30 गया तो 90 में आ गया, ठीक है ना। बचा कितना? 150 है ना। 150 तो फिर यहां से यहां तक आएगा और 90 यस सर। ऐसे, फिर और 60 डिग्रीज ले लो, माइनस 60 डिग्रीज। समझ में आया? सॉरी माइनस 60 डिग्रीज नहीं, और 60 डिग्रीज ले लो। तो यहाँ पे और 60 डिग्रीज अगर ले लोगे, समझ में आया? यहाँ पे अगर और 60 डिग्रीज ले लोगे इस तरफ, तो ये कितना आएगा? माइनस रूट थ्री ए बाई टू में आएगा। तो वहां से आ गया, ए को 5 पुट कर लो तो आ गया माइनस 5 रूट थ्री बाई टू, है ना। यहाँ पे तो प्रॉब्लम में तुमको 5 दिया है, ठीक है ना। अगर एम्पलीट्यूड के टर्म्स में दिया होगा तो, है ना, पहला इनिशियल पॉइंट निकाल लो, है ना। जो टाइम पीरियड, जो टाइम बोला है वो टाइम का फेज निकाल लो, मतलब उतने टाइम में कितना फेज कवर होगा, है ना। बिकॉज हम बोलते हैं ना फेज इज इक्वल टू ओमेगा टी, ठीक है ना। तो ओमेगा यहाँ पे कांस्टेंट होता है, ओमेगा कांस्टेंट होता है तो फेज इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू टाइम टेकन, है ना। तो उसके हिसाब से फेज निकाल लो। एक सेकेंड, दो सेकेंड मतलब एक टाइम पीरियड, एक टाइम पीरियड में कितना एंगल कवर करेगा, कितना फेज कवर करेगा? 360 डिग्रीज। तो एक सेकेंड में कितना कवर करेगा? 180 डिग्रीज। तो है कहाँ पे? 60 में है, तो उसमें और 180 ले लो। 60 प्लस 180, 240। 240 मतलब 180 तो यहाँ पे है, इससे और 60 ले लो इस तरफ, तो आ जाएगा 240, ठीक है ना। तो ये पोर्शन होगा माइनस रूट थ्री ए बाई टू, ऐसे भी निकाल सकते हैं ना। तो एनीवेज हमारा x का पोर्शन आ गया माइनस 5 रूट थ्री ए बाई टू। समझ में आया बच्चों? यस सर। सर हाँ बोलो। सर वो जो साइन पाई प्लस पाई बाई थ्री वो वाला थोड़ा समझ नहीं। क्या 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 कैसे समझ गए? इसीलिए ना मैं मतलब है ना, नीट वालों को तो ये फॉर्मूला याद नहीं रहेगा। अगर याद नहीं रहेगा तो क्या करेंगे नीट वाले? इसलिए तो मैं बोला ना टेक्निक। समझ में आया ना? तो मैंने जो टेक्निक बोला, ठीक है ना, नीट वालों के लिए मदद में आएगा, है ना। और जेई मेंस वाले अगर फॉर्मूला याद नहीं रखते हैं, है ना, तब भी हेल्प करेगा, क्योंकि सारा खेल यहाँ पे फेज का होता है, पॉइंट के हिसाब से फेज। इसलिए मैंने पॉइंट के हिसाब से फेज बना दिया, पूरा फेज का खेल है भाई यहाँ पे, और कुछ नहीं है, है ना। मैंने क्या बोला कि उसका इनिशियल फेज कितना है? पाई बाय थ्री। इनिशियल फेज कितना है? 60 डिग्रीज। तो इनिशियल फेज के हिसाब से पोजीशन क्या होगा? रूट थ्री ए बाई टू में होगा पोजीशन, ठीक है ना। अच्छा तुमको क्या निकालना है? वेलोसिटी एट टाइम पीरियड 1 सेकंड, ये निकालना है ना। तो उसके लिए क्या करोगे? फर्स्ट कैलकुलेट पोजीशन, फर्स्ट कैलकुलेट पोजीशन एट टी इक्वल टू 1 सेकेंड। तो पहले क्या कैलकुलेट करोगे? पोजीशन एट टी इक्वल टू 1 सेकेंड कैलकुलेट करोगे। समझ में आया ना? पहले क्या कैलकुलेट करोगे? पोजीशन एट टी इक्वल टू 1 सेकेंड कैलकुलेट करोगे, है ना। अच्छा टी इज इक्वल टू 0 में 60 डिग्रीज में है, समझ में आया ना। यहाँ पे टाइम पीरियड क्या है? टाइम पीरियड यहाँ पे है 2 सेकेंड। तो टाइम पीरियड 2 सेकेंड टाइम पीरियड का मतलब है 360 डिग्री फेज। समझ में आया? 2 सेकेंड है टाइम पीरियड, 2 सेकेंड टाइम पीरियड का मतलब क्या है? 360 डिग्री फेज। इसका मतलब है अगर टाइम पीरियड, टाइम उसको 1 सेकेंड ट्रेवल कर रहा है तो कितना टाइम पीरियड गया? हाफ टाइम पीरियड। तो 1 सेकेंड का मतलब क्या है? हाफ टाइम पीरियड, है ना। और एक रिलेशन है हमारे पास, वो रिलेशन क्या है कि फेज
इज प्रोपोर्शनल टू टाइम टेकन. तो एक टाइम पीरियड में अगर फेस कवर करा है 360 डिग्रीज, तो कितना फेस कवर होगा हाफ टाइम पीरियड में? तो हाफ टाइम पीरियड में कितना फेस कवर होगा? तो हाफ टाइम पीरियड में फेस कवर होगा 180 डिग्रीज. समझ में आया? उसका फेज अभी इनिशियली कितना है? 60 है. उसका इनिशियल फेज कितना है? 60 है ना. टोटल फेज क्या है? टोटल फेज क्या है? टोटल फेज इज इक्वल टू ओमेगा टी प्लस फाइव. इनिशियल फेज कितना है? इनिशियल फेज है 60 डिग्रीज. टी इज इक्वल टू 1 सेकंड के लिए ये फेज कितना है? 180 डिग्रीज. कैलकुलेट कर लो. तो टोटल फेज कितना हुआ? 240 डिग्रीज. समझ में आया बच्चों? टोटल फेज कितना हुआ? 240 डिग्रीज. 240 डिग्रीज मतलब ये तो है 60 है ना, ये फेज कितना है? ये 90 डिग्रीज है ना. अगर ऐसे जा रहे तो यहाँ पे फेज कितना है? 180 डिग्रीज. ऐसे जा रहे तो 0 डिग्रीज और 360 डिग्रीज, ठीक है ना. तो ऐसे जा रहे तो 180, यहां से और 60 ले लो, 240 डिग्रीज. टोटल फेज कितना है? 240 डिग्रीज अगर ऐसे जा रहे तो, है ना. तो 180 से मीन पोजीशन से 60 डिग्री आगे जाओगे तो कहां पे पहुंचोगे? डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? रूट 3a/2. तो यहाँ पे नेगेटिव जा रहा है तो नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट कितना होगा मीन पोजीशन से? रूट 3a/2. सो एट टी इक्वल टू 1 सेकेंड एक्स इज इक्वल टू माइनस रूट 3a/2 और दैट इज इक्वल टू माइनस रूट 3 × 5/2, है ना. समझ में आया? सो 5√3/2. वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? ओमेगा होल इनटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है ना. ओमेगा कितना है बच्चों यहाँ पे? भूल गया मैं. पाई पाई. हाँ पाई है. ओमेगा पाई है अंडर रूट 2π/ टाइम पीरियड, है ना. टाइम पीरियड 2 सेकंड है. एम्पलीट्यूड कितना है? 5 माइनस, यहाँ पे कितना आएगा? माइनस 5√3/2 होल स्क्वायर. अच्छा 5 स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर, ठीक है ना. तो इंप्लाइज वेलोसिटी कितना होगा? पाई होल इनटू 25 प्लस 25 × 3 = 75/2, है ना. इंप्लाइज वेलोसिटी तो वेलोसिटी इज इक्वल टू पाई अंडर रूट 125/2, है ना. इंप्लाइज दैट इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू, है ना, 5π. सर बी में प्लस कैसे हो गया सर? हाँ प्लस कहाँ से आ गया? क्या 25 माइनस 75 रहेगा ना बाय 4 माइनस माइनस वो तो स्क्वायर हो जाएगा. 25 माइनस 75 बाय 4 तो वो 4 होगा. 25 बाय 4 प्लस तो आएगा ना. नहीं सर माइनस रहेगा सर, माइनस ही रहेगा. माइनस माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो गया. अच्छा 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 यहाँ पे हाँ माइनस का स्क्वायर प्लस है लेकिन हाँ बीच में माइनस है. अच्छा 25/4 ठीक है ना. तो ये कितना होगा? स्पीड कितना आ गया? 5π/2 यही आया था ना. यस सर. यस सर. मीटर्स पर सेकंड, ठीक है. समझ में आया बच्चों? यस सर. यस सर. अरे प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लास में कोई रुकना नहीं चाहता है क्या? भाग गए सर या लंच का टाइम हो गया? भूख लग रहा है? नो सर. जब भूख लगता है तो ज्यादा पढ़ाई करते हैं. ठीक है ना, ताकि और भूख लगे तब जाके खाना खाओगे ना अच्छे से. नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन हैज एंगुलर फ्रीक्वेंसी. अरे बच्चों पिछला क्वेश्चन सबको समझ में आ गया था ना, या फिर मैं ही गाना गा रहा था? यस सर समझ आया. और तुम लोग गाना सुन रहे थे बस, लेकिन ध्यान नहीं दे रहे थे.
समझ में आया सबको? अरे ये ज्योति बहुत दिनों से क्लास नहीं कर रही है, क्या हो गया उसको? सर वो बायो क्लास भी नहीं कर रही। बायो क्लास ही कर रही है बस? नहीं सर वो भी नहीं कर रही बायो क्लास, बीच में एक क्लास कर रही थी। हाँ। फिर क्या हुआ पता नहीं। पार्टिकल का एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितना है? 6.28 पर सेकेंड। एम्पलीट्यूड कितना है? 10 सेंटीमीटर। टाइम पीरियड कितना है? मैक्सिमम स्पीड कितना है? तो ये सब क्या है? ए टाइम पीरियड निकालोगे तो ये तो मतलब ना डायरेक्टली आएगा 2π/ω इज इक्वल टू टाइम पीरियड। वन सेकेंड है। एम्पलीट्यूड कितना है? 10 सेंटीमीटर। 0.1 मीटर या फिर 1/10 मीटर। ठीक है ना? अच्छा तो मैक्सिमम स्पीड तो वी मैक्स कितना होता है? वी मैक्स ओमेगा ए इज इक्वल टू ओमेगा ए, सो दैट इज इक्वल टू 6.28 इनटू 1/10, 0.628 मीटर्स पर सेकेंड, है ना? फिर मैक्सिमम एक्सीलरेशन बी हो गया मैक्सिमम स्पीड, फिर सी में आएगा मैक्सिमम एक्सीलरेशन। सी में क्या आएगा? मैक्सिमम एक्सीलरेशन। ठीक है ना? मैक्सिमम एक्सीलरेशन कितना आएगा? मैक्सिमम एक्सीलरेशन कितना आता है? मैक्सिमम फोर्स बाय मास, है ना? ए मैक्स कितना होगा? दैट इज इक्वल टू एफ मैक्स बाय मास। एफ मैक्स कितना होगा? के इंटू ए, के एक्स होता है रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स मैक्सिमम कहां पे होता है? एम्पलीट्यूड में। माइनस के बाय एम इंटू ए। के बाय एम क्या है? ओमेगा स्क्वायर। सो ओमेगा स्क्वायर ए। समझ में आया? सो मैक्सिमम एक्सीलरेशन इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए। सो ए मैक्स is equal to omega square a, 6.28 into whole square into amplitude. Amplitude again that is equal to 1/10. So 6.28 का whole square कितना है? 6.28 का whole square निकाले क्या? 39.43। कितना है? 4π² 40 के आसपास। अच्छा तुम ऐसे निकाल लोगे 2π² यस सर, तो 4π² अच्छा अगर ऐसे निकाले तो 22/7 करके आएगा सर 39 पॉइंट समथिंग। इसके इसको थोड़ा फाइंड आउट करो तो ये 22 × 4 कितना होगा? 484 ना यस सर, बाय 7 By 49. 49. तो 49. है ना? 49. है ना? By 10. 4.9 meter per second square. आ गया maximum acceleration. Speed when the displacement is 6 centimeters. Speed when the displacement is 6 centimeters. Option D. तो फिर आप करेंगे यहाँ पे we will go for option 39, नहीं 39 हो रहा था ना? हाँ 6.28 का square 39 हो रहा था, 39.43
6.28 का होल स्क्वायर कितना आ रहा है? 39.43। सर थोड़ा प्रीवियस स्लाइड दिखाइए। हाँ तो अच्छा 39.13 आ रहा है, तो मैं तो 22/7 का स्क्वायर लिया। अरे यार 20, अच्छा तो वो कितना आ रहा है 20, ये आ रहा है 484 डिवाइडेड, अरे 7 स्क्वायर था ना, तो ये 49 होगा ना, वहां पे गड़बड़ कर दिया हमने, ठीक है ना। 484/49 पहले निकालो इनटू कितना होगा 1/10, ठीक है ना। ये 49 होगा ना? यस सर। 49 × 1/10 ठीक है ना, तो ये होगा 484/7² = 49 × 10 = 490 मतलब ये तो नियरली इक्वल टू 1 m/s² ठीक है ना। यस सर 0.98। अच्छा एग्जैक्ट कितना आ रहा है 0.98 0.98 m/s² ठीक है ना, वेरी गुड। तो v इज इक्वल टू ओमेगा पोल इनटू यहां पे है ना a² - x² है ना। x का वैल्यू कितना है यहाँ पे 6, x इज इक्वल टू 6 cm, v इज इक्वल टू ओमेगा, ओमेगा का वैल्यू 6.28 है ना। सर वो 44/7 होगा ना का होल स्क्वायर। सर वो 44/7 का होल स्क्वायर होगा ना, क्योंकि 6.28 3.14 का डबल और एक 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा। 2 सर 2 नहीं यार, मैंने तो 3.14 लिया है ना बेटा, तो 4 m/s² 4 m/s² इसको जल्दी जल्दी करते हैं, ठीक है ना। यहाँ आ जाएगा 6.28 अंडर रूट, यह आ जाएगा 100 - 36 = 64/10⁴ 64 क्या 8 डिवाइडेड बाय 100 है ना। तो यही निकालो है ना, 6.28 इंटू 8 निकालो है ना इंटू 10⁻², 6.28 × 8 × 10⁻², 8 × 6 = 48, 0.28 × 8 = 28 कितना होता है 280 से 56 माइनस कर लो 224 मतलब 2.24 50.24 है ना 2.24 यही है ना। यस सर 0.5024 m/s² ठीक है ना। वेलोसिटी है 6 cm एट x इक्वल टू 6 cm इज इक्वल टू 0.5024 m/s समझ में आया? Yes, sir. इसको फ्रैक्शन में रखकर कैलकुलेट कर लो तो जल्दी होगा। हो गया सर, हो गया ना। तो स्पीड एट t = 1/6 सेकंड्स
फंसा रहा है क्वेश्चन पूरा. Assuming that the motion starts from rest at t equal to 0, speed at t equal to 6 seconds, time 1 by 6 seconds, time period कितना है? 1 second. फिर phase का formula लगा लो, ठीक है ना? ऐसे जगह पर phase का formula आता है, मतलब काम में आता है ना? अब next क्या निकालना है? Next क्या निकालना है? Speed at t is equal to 1 by 6 seconds, ठीक है ना? Assume, है ना? Motion starts from, क्या बोला है? From, question अच्छा फंसा है. T is equal to 0. From rest, Motion starts from rest. At t equal to 0. मतलब ये है amplitude position में. ये एक amplitude position में इसका मतलब है. है ना? तो basically ये क्या है? ये है एक amplitude position में. Amplitude position में है मतलब A is equal to, है ना, यहाँ पे rest में कहाँ पे होगा? Amplitude में होगा. A या फिर minus A में. 1 by 10 meters. ठीक है ना? ये basically कहाँ पे है? एक amplitude position में है. या फिर plus A में या फिर minus A में. ठीक है ना? Motion starts from rest. है ना? तो यहाँ पे actually वो rest में है. आप यहाँ से phase का theory लगा लो. मान लो वो कहाँ पे है? 90 degrees में. उसका phase क्या है? Initially 90 degrees. या फिर 270 degrees. कहीं से भी लेके फाइंड आउट कर सकते हैं ना. हमको स्पीड निकालना ना, मेरे नहीं निकालना है, हमको बस स्पीड निकालना है. ठीक है ना? अब क्या करना है तुमको? T is equal to 1 second, है ना? मतलब वो टाइम पीरियड है, मतलब वो फेज 2 पाई है. तो फिर T is equal to 1 by 6 second से मतलब फेज कितना होगा? 1 second 2 पाई फेज है. कितना होगा? 5 by 3 फेज. पाई बाय थ्री फेज मतलब 60 डिग्रीज. 100 डिग्री. तो यहाँ से 60 डिग्रीज चले जाओ तो आओगे कहाँ पे? 150 डिग्रीज में आओगे. 150 डिग्रीज में पोजीशन क्या है? 30 डिग्रीज. या फिर 150 डिग्रीज में पोजीशन क्या है? ए बाय टू है. है ना? समझ में आया? ठीक है. सो एट टी इज इक्वल टू 1/6 सेकेंड्स, है ना, x is equal to a by 2. समझ में आया बच्चों? स्पीड निकालना है a square minus x square. ये फेज वाला टेक्निक ना बढ़िया बढ़िया टेक्निक है. तो ये हो गया 2 pi, मतलब 6.28 है, अंडर रूट a square minus x.